तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 17 को अपने पीसी या लैपटॉप में कीबोर्ड के साथ कैसे खेलें और वो भी बगैर वीजॉय या कंट्रोलर की मदद से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं शार्क टैग। दोस्तों, ये तो हम सबको ही पता था कि डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 17 कितनी बढ़िया गेम है, पर उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि हम उसको सिर्फ कंट्रोलर के साथ खेल सकते थे। पर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे उसको बगैर वीजॉय और कंट्रोल के साथ कैसे खेल सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करने पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कीबोर्ड स्प्लिटर, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, आगे के स्टेप्स के लिए मैं अपने पीसी में जा रहा हूँ और वहां आप मुझे देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में पहुंच चुका हूं और सबसे पहले आपको करना होगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपको करना होगा इस पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ये शुरू हो गया। मैंने ये डाउनलोड किया है इसलिए मैं दोबारा से नहीं कर रहा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप जहां भी चाहें इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। ऐसे ओपन कर लीजिए और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको ऐसे खींच के बाहर ले आइए। जब आपका ये सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तब आपको इसको रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिखेगा कुछ। दोस्तों, आपको इसको वन पे सिलेक्ट करना होगा और दोस्तों इसको आपको टिक पे ही रहने देना है और सब। उसके बाद आपको करना होगा स्टार्ट पे क्लिक। दोस्तों, जब आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तब आपका कीबोर्ड वर्क करना बंद कर देगा, पर आपका कीबोर्ड बाद में एज अ कंट्रोलर शुरू हो जाएगा काम करना। ये देखिए, जैसे मेरा कीबोर्ड अब कंट्रोलर बन चुका है। दोस्तों, अगर आप विंडोज 7 या उससे पहले वाले यूजर हैं तब आपको इसको काम करने के लिए कुछ ड्राइवर डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको खोलनी पड़ेगी ये वेबसाइट, ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको अपना सिलेक्ट करना होगा विंडोज़ का कौन सा वर्जन है। अगर 7 है, विंडोज 7 है, 64 बिट है, 32 बिट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपना वर्जन सेलेक्ट करके जब आपने इसको डाउनलोड कर लिया तब आपको इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप एक बार अपना पीसी रीबूट करें और इसके बाद इस कीबोर्ड स्प्लिटर सॉफ्टवेयर को चलाएं और यहीं पर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। तब आप डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 17 चाहे कोई भी गेम हो एज अ कंट्रोलर खेल सकते हैं अपने कीबोर्ड के साथ। दोस्तों, मैं आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गेम बिल्कुल सही चलने लग जाए कीबोर्ड के साथ। अगर वो नहीं भी चलती तब भी आप नीचे कमेंट में आप मुझको बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।